मेरी उल्फत मदीने से होगी नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सुभान अल्लाह, पे पर्चा तो नहीं है, अलबत्ता जन्नत में चर्चा जरूर है। हमारी निस्बत मदीने से क्यों है? हमारे आका का रोजा मदीना। अच्छा, हुजूर का ननियाल भी मदीने में था और बहुत कुछ निस्बत मदीने से थी। तभी तो आप जब आपकी वालदा हुजूर को बचपन में वापस ले जा रही थी तो अबवा के मकाम पे इंतकाल हुआ, वो मदीने से ही वापस जा रही। क्यों? कि यहूदी हुजूर को ढूंढ रहे थे, आपकी आंखों में सुर्ख रंग के डोरे होते थे ना जो नबूवत की अलामत थी, वो पूछने आते घर पे तो घबरा के जाने लगे। रस्ते में उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह के रहम फरमाया, अबवा अल्लाह मुझे ले गया, बड़ी अजीब जगह है। तो बाहर के मैंने कसीदा पढ़ा है जो आधे घंटे का है, जिसमें आपकी पैदाइश से विसाल तक। हाँ, थोड़ा आगे आ गया, जल्दी आगे आ गया, आगे काफ़ी जगह पीछे पड़ी है, रहमत नीचे गिर रही है भाई, आ जाओ। जज़ाकअल्लाह। इधर दाएं हाथ में भी जगह, दाएं हाथ पे भी आ जाओ। तो उस कसीदे में वो सारा जिक्र है, आधे घंटे का शायर सुनाओ, हयात तैयबा उसका नाम है, तो उसमें ये सारे वाक़यात मौजूद हैं। अभी वक्त है नहीं, मैं इस तफसील में जाऊँ, माशाल्लाह आ जाए। जज़ाकअल्लाह। तो मिल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दिलों में उतरे। शायर कहता है, मेरी उल्फत मदीने से होगी नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। आप भी कहें, मेरे आका का रोजा मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से होगी नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मैं मदीने की जान बिना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने। खुशबू चमन के गुलों में कहां
खुशबू चमन के गुलों में कहां, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने उसी हुजरे में भेज दी रब ने जन्नत उसी हुजरे में, अम्मी आयशा का हुजरा मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे रोजा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में अल्लाह बार बार मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। इसके बाद एक कलाम जो पर्ची में भी है और मुझे व्हाट्सएप भी बड़े आए उसके, और मोदी साहब में तशरीफ है माशाल्लाह, और लागे ही आ जाए।